मूंगफली की खेती साल भर की जा सकती है, लेकिन मौसम में हो रहे बदलाव के दौरान फसल का खास ध्यान रखने की जरूरत होती है, क्योंकि उचित देखभाल के अभाव में रोग व कीट फसल को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे कि उपज में कमी आ सकती है और किसान को नुकसान उठाना पड़ सकता है। मूंगफली की फसल को मुख्य रूप से सफेद लट, टिक्का रोग, माहू या दीमक प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में किसानों के लिए बेहद जरूरी है कि वो फसल प्रबंधन के बारे में जानें। तो आज हम कृषि विशेष में आपको बताएंगे मूंगफली के फसल प्रबंधन के बारे में, साथ ही मिलवाएंगे फसल प्रबंधन से जुड़े विशेषज्ञ से। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान, मैं हूं मोनालिसा और स्वागत करती हूं आप सभी का कृषि विशेष में। भारत की प्रमुख तिलहन फसल है। ये गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा कर्नाटक राज्यों में सबसे अधिक उगाई जाती है। वहीं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और खासकर बीते वर्षों में पश्चिमी राजस्थान में इसकी खेती का प्रचलन बढ़ा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीनस्थ अनुसंधान संस्थानों एवं कृषि विश्वविद्यालयों ने मूंगफली की उन्नत तकनीकियां, जैसे उन्नत किस्में, रोग नियंत्रण, निराई गुड़ाई विकसित की है। मूंगफली को एक इंग्लिश में एरेका हाइपोजिया के नाम से जाना जाता है और यह एक तेलीय फसल मानी जाती है, जिसमें कि तेल की मात्रा 45 से 55 प्रतिशत तक मात्रा होती है और बहुत सारे इसको प्रयोग में काम में लिया जाता है, जैसे टेबल पर्पज के रूम में काम में लेते हैं, कच्ची मूंगफली को सेक के खाने के काम में लेते हैं, या और पशुओं को इसके खली बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और जो प्रमुख मूंगफली उत्पादक राज्य है, जिसमें गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है और आपके राजस्थान में भी, जो पश्चिमी राजस्थान में इसकी खेती का प्रचलन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। मूंगफली की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली भुरभुरी दोमट व बलुई दोमट भूमि सर्वोत्तम रहती है। मिट्टी पलटने वाले हल तथा बाद में कल्टीवेटर से दो जुताई करके खेत को पाटा लगाकर समतल कर लेना चाहिए। मूंगफली की बुआई मानसून शुरू होने के साथ ही हो जाती है। उत्तर भारत में ये समय सामान्य रूप से मई, जून से लेकर जुलाई तक का होता है। कम फैलने वाली किस्मों के लिए बीज की मात्रा 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एवं फैलने वाली किस्मों के लिए 60 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपयोग में लेना चाहिए। बुआई के बीज निकालने के लिए स्वस्थ फलियों का चयन करना चाहिए। बोने से 10 से 15 दिन पहले गिरी को फलियों से अलग कर लेना चाहिए। बीज को बोने से पहले उपचारित कर लेना चाहिए, इससे बीजों का अंकुरण अच्छा होता है तथा प्रारंभिक अवस्था में लगने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाया जा सकता है। मूंगफली को कतार में बोना चाहिए। गुच्छे वाली किस्मों के लिए कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर तथा फैलने वाली किस्मों के लिए 45 सेंटीमीटर रखें। पौधों से पौधों की दूरी 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बुआई हल के पीछे हाथ से या सीड ड्रिल द्वारा की जा सकती है। भूमि की किस्म एवं नमी की मात्रा के अनुसार बीज जमीन में 5 से 6 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। उर्वरकों का प्रयोग भूमि की किस्म, उसकी उर्वरा शक्ति, मूंगफली की किस्म, सिंचाई की सुविधा आदि के अनुसार ही करें। उर्वरकों की पूरी मात्रा खेत की तैयारी के समय ही भूमि में मिला देनी चाहिए। इसमें जो खाद उर्वरक की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन, जो नत्रजन बोला जाता है, नत्रजन की 15 किलोग्राम और फास्फोरस की 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के मात्रा दर से मात्रा रिक्वायरमेंट की गई है। साथ ही और इसमें 250 किलोग्राम जिप्सम, जो कि ऑयल कंटेंट बढ़ाता है, मूंगफली की साइज बढ़ाता है, उसकी मात्रा रिकमेंड की जाती है। यदि कंपोस्ट या गोबर की खाद उपलब्ध हो तो उसे बुआई के 20 से 25 दिन पहले 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर खेत में अच्छी तरह मिला देनी चाहिए। नीम की खल के प्रयोग का मूंगफली के उत्पादन में अच्छा प्रभाव पड़ता है। अंतिम जुताई के समय 400 किलोग्राम नीम खल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देनी चाहिए। नीम की खल से दीमक का नियंत्रण हो जाता है तथा पौधों को नत्रजन तत्वों की पूर्ति हो जाती है। नीम की खल के प्रयोग से 16 से 18 प्रतिशत तक की उपज में वृद्धि और दाना मोटा होने के कारण तेल प्रतिशत में भी वृद्धि हो जाती है। इसमें
मूंगफली की अच्छी तरह से कल्टीवेशन की जाती है तो आपका 30 से लेकर 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपज प्राप्त हो सकती है। और नॉर्मल से नॉर्मल कंडीशंस की बात करें या राजस्थान की दशाओं की बात करें तो यहाँ पे 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मूंगफली की उपज प्राप्त की जा सकती है। मूंगफली की फसल में सिंचाई देना सामान्य रूप से वर्षा के वितरण पर निर्भर करता है। फसल की बुवाई यदि जल्दी करनी हो तो एक पलेवा की आवश्यकता पड़ती है। यदि पौधों में फूल आते समय सूखे की स्थिति हो तो समय सिंचाई करना आवश्यक होता है। फलियों के विकास एवं गिरी बनने के समय भी भूमि में पर्याप्त नमी की जरूरत होती है। खेत में बहुत समय तक पानी भराव रहने पर फलियों के विकास तथा उपज पर बुरा असर पड़ सकता है। ऐसे में बुआई के समय यदि खेत समतल ना हो तो बीच बीच में कुछ मीटर की दूरी पर हल्की नालियां बना देनी चाहिए, जिससे बारिश के पानी के लिए उचित जल निकासी बन जाए और फसलों को नुकसान ना पहुंचे। मूंगफली की फसल को खरपतवारों से बचाने के लिए कम से कम 2 बार निराई गुड़ाई की आवश्यकता पड़ती है, पहली बार फूल आने के समय, दूसरी बार 2 से 3 सप्ताह बाद। किसी भी फसल की अच्छी पैदावार तभी ली जा सकती है जब किसान फसल की अच्छी और उन्नत किस्मों का चुनाव करे। इसके साथ ही किसानों को फसल से संबंधित जलवायु, तापमान और अन्य जानकारियां होना भी बेहद जरूरी है। मूंगफली एक तेलीय फसल मानी जाती है जिसमें 45 से 55% तक तेल की मात्रा पाई जाती है। इसका उपयोग तरह तरह के व्यंजन बनाने में किया जाता है, साथ ही इसकी खली पशुओं को खिलाने के काम में भी ली जाती है। पशुओं को मूंगफली की खली बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। मूंगफली की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए किसान भाइयों को इसकी उन्नत किस्मों का चुनाव करना चाहिए। मूंगफली की अच्छी उन्नत किस्में गिरनार, GG20, HNG10, HNG169, HNG123, RG425, 120 से 130, MA10, 125 से 130, M548, 120-126, TG37A, 120-130, G201, 110-120 प्रमुख है। मूंगफली की ये किस्में लगभग सभी मूंगफली उत्पादक क्षेत्र में बोई जाती है। खासकर गुजरात और राजस्थान में किसान इसकी खेती कर अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। शुरुआती अवस्था में अगर आपका इसका बीजोपचार करते हैं तो काफ़ी अच्छा फायदा मिल सकता है और इसका उत्पादन भी बढ़ाया जा सकता है। तो मूंगफली में अगर बीमारियों की मैं बात करूं तो बीमारियों में सबसे मुख्यतः एक मूल संधि विघटन रोग आता है, जिसको कि कॉलर रोट ऑफ ग्राउंड नट के नाम से जाना जाता है। ये एक ही बहुत ही सीवियर इश्यू है ग्राउंड नट के अंदर, मूंगफली के अंदर, और ये शुरुआती अवस्था से, इसका मैं बताना चाहूँगा, तीनों दशाओं से फैलता है। आपका बीज के द्वारा भी फैलता है, मृदा के द्वारा भी फैलता है और आपका हवा के द्वारा भी इसका जो फफूंद है, जो इसका रोगजनक है, वो फैलता है। इसलिए बीजोपचार बहुत ही आवश्यक है। और ये एक एस्परजिलस नाइजर जो फंगस होती है उसके द्वारा फैलता है। इसके लक्षण की मैं बात करूं तो लक्षण में शुरुआती अवस्था में आपके जो पौधे उगने लगते हैं, 10-15 दिन की अवस्था में होते हैं, तब से ही इसके पौधे जड़ों के पास से मरने लगते हैं, जो कोलर रीजन माना जाता है, जो जमीन और तने के पास का जो रीजन होता है वो काला पड़ जाता है और उस पर काली काली सी फफूंद नजर आने लगती है। तो ये कॉलर रोट या मूल संधि विघटन रोग होता है। इसके लिए किसान भाइयों बीजोपचार आप अवश्य करें। बीजोपचार के लिए कार्बोक्सिन प्लस थायराम नाम की जो दवा आती है उसके द्वारा आप बीजोपचार कर सकते हैं। 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से इसकी दर निर्धारित की गई है। साथ ही साथ थायोफिनेट मिथाइल है, उसकी भी 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करेंगे तो काफी अच्छा लाभ होगा। अगर खड़ी फसल में इस टाइप की बीमारी देखने को मिलती है, कॉलर रोट बीमारी आती है, तो खड़ी फसल के लिए आप इन दवाओं को एक घोल बना के उसकी ड्रेंचिंग करें तो काफी फायदा होगा। इसके अलावा दूसरी जो बीमारी है मुख्यतः मूंगफली के अंदर, जब फसल आपकी 1 से 2 महीने की होती है उस अवस्था में अगेती पत्ता रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। अगेती पत्ती धब्बा रोग के अंदर आपके छोटे छोटे से हल्के भूरे से काले कलर के धब्बे दिखाई देते हैं और उसके चारों तरफ पीले कलर की परछाई सी दिखाई देती है। अगर इस टाइप के धब्बे दिखाई दे रहे हैं, वो इरेगुलर शेप्ड में होते हैं और बिल्कुल येलो येलो जोन बना रहता है, तो
वो आपकी अगेती पत्ती दब्बा रोग बोलते हैं, और इसको सामान्य भाषा की बात करें तो सामान्य भाषा में इसको टिक्का बीमारी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि टिकिया के जैसे वो लक्षण बनते हैं, धब्बे बनते हैं, इसलिए इसको टिक्का बीमारी का नाम से भी जाना जाता है। और किसान भाइयों के अगर खेत में इस टाइप की बीमारी आती है तो इसके लिए कार्बेंडाजिम 2% के हिसाब से छिड़काव करें, या मैंकोजेब 0.2% के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। इसके साथ ही दूसरी जो पछेती झुलसा या पछेती धब्बा रोग लगता है वो भी काफ़ी बहुतायत में मिलता है, जिन इलाकों में बारिश ज़्यादा होती है या पोषक तत्व रिच होती है उन मर्दाओं में ये बीमारी ज़्यादा आती है। इस बीमारी में जो धब्बे हैं, धब्बों का कलर है अगेती पत्ती धब्बा रोग से थोड़ा सा गहरा कलर होता है, और धब्बों का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल रेगुलर फॉर्म में दोनों साइड में बिल्कुल सेम काले कलर के दिखाई देते हैं। तो अगर इस टाइप के लक्षण दिखाई देते हैं तो उस अवस्था में उसके लिए आप मैंकोजेब 0.2% और कार्बेंडाजिम 0.2% का स्प्रे कर सकते हैं। साथ ही एक जो बीमारी आती है वायरल बीमारी आती है, विषाणु जनित बीमारी होती है, वो विषाणु जनित बीमारी भी काफ़ी मात्रा में देखने को मिल रही है, जिसको पीनट बड नेक्रोसिस के नाम से जानते हैं। पीनट बड नेक्रोसिस में क्या होता है, जो मूंगफली के पत्ते के ऊपर की बड होती है वो नेक्रोटिक होकर पूरा झुलसने लगती है। शुरुआती अवस्था में आप देखेंगे तो पत्ते के ऊपर थोड़े से रेसे रेसे से नुमा जो छाले टाइप से बन जाते हैं, उसके बाद में पूरी पत्ती के ऊपर ऊपर का जो टिन पोर्शन है, ऊपर का टेंडर पार्ट है, उसमें बर्निंग स्टार्ट होने लगती है, तो उसको पीनट बड नेक्रोसिस वायरस के नाम से जानते हैं। तो ऐसी बीमारी से बचने के लिए आप प्रमाणित बीजों का प्रयोग करें, और समय रहते हुए इंसेक्टिसाइड जो कीटनाशक आते हैं जो वायरस को ट्रांसमिशन का काम करते हैं, वाहक का काम करते हैं, उनको रोकथाम के लिए काम में लें। साथ ही एक और जो बीमारी आ रही है मूंगफली के अंदर वो है, जो यहाँ पे राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ पे घेरा बीमारी के नाम से जाने जाती है, ये काफ़ी एरिया को कवर करती जा रही है। ये कॉम्प्लेक्स डिजीज होती है, इसके अंदर एक फ्यूजेरियम होता है और बहुत सारे काजलो एजेंट्स होते हैं जो बहुत ही सीवियर रूप में फैलती है, और ये लेटर अवस्था में आती है। इस बीमारी के लक्षणों में पहले आधी पत्ती झुलस जाती है, फिर उसके बाद में पूरी पत्ती झुलस के पूरा पौधा झुलस जाता है। पूरा पौधा झुलसने के साथ ही साथ पूरा घेरा बन जाता है, खेत में कहीं कहीं पैचेज में दिखाई देने लगता है। अगर वातावरणीय दशाएं अनुकूल होती है तो उस दशा में ये बीमारी आपकी बहुत ही ज्यादा मात्रा में फैलती है, और जो हल्की मृदाएं होती है, हल्की मिट्टी होती है, उन मिट्टियों में ये बीमारी बहुत ही अधिक मात्रा में इस बढ़ती जा रही है। तो ऐसी बीमारियों की रोकथाम के लिए जो कॉम्बी प्रोडक्ट्स है, जिसमें कैप्टान प्लस एक्जाकोनाजोल है, टेबुकोनाजोल प्लस ट्राइफ्लुक्सोस्टोबिन है, इन दवाइयों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। मूंगफली की बुआई से पहले बीजोपचार का खास महत्व है, इससे फसल को कीट और तरह तरह की फफूंद से बचाया जा सकता है, साथ ही फसल उत्पादन को भी बढ़ाया जा सकता है। सूरज की रोशनी और उच्च तापमान इसकी बढ़त के लिए अनुकूल माने जाते हैं, वहीं अच्छी पैदावार के लिए कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होना जरूरी माना जाता है। कृषि विशेष में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम मूंगफली में रोग व कीट प्रबंधन से जुड़ी कुछ अहम बातें आपको बताएंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। संस्थान यूं ही नहीं बनते, ये श्रेष्ठ बनते हैं शिक्षा से, समाधान से, संरक्षण, उपचार और अनुसंधान से। किसानों की समस्या हो या फिर पशुपालन की या फिर कृषि उद्यमी के उद्योग लगाने तक का सफर, आपके हर सफर में आपका हम सफर। देखिए श्रेष्ठ संस्थान हर रविवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 9:30 पर, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष। आइए मूंगफली के फसल प्रबंधन से जुड़ी जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। किसी भी अन्य फसल की तरह ही मूंगफली में भी विभिन्न प्रकार के रोग व कीट लग सकते हैं। ऐसे में किसानों के लिए इनके बारे में सही जानकारी होना बेहद जरूरी है, क्योंकि तभी वो अपनी फसल को रोग व कीट से बचा पाएंगे। वैसे तो मूंगफली में कई प्रकार के कीट जैसे दीमक, टिक्का रोग,
थ्रिम्स मोइला लगने का खतरा होता है, लेकिन मूंगफली फसल का सबसे बड़ा शत्रु कीट सफेद लट होता है। ये मूंगफली को बहुत ही ज्यादा क्षति पहुंचाने वाला कीट है। सफेद लट मुख्य रूप से जड़ों और पत्तियों को खाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पौधे सूख जाते हैं। मादा कीट जमीन के अंदर जाकर अंडे देती है। इनमें से 8 से 10 दिनों के बाद लट निकल आते हैं। शीतकाल में लट जमीन में नीचे चले जाते हैं और प्यूपा फिर गर्मी व बरसात के साथ ऊपर आने लगते हैं। कृषि अनुसंधान केंद्र मंडोर, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, कीट विज्ञान विभाग, सह प्राध्यापक नारायण लाल डांगे ने बताया कि मूंगफली के लिए सबसे खतरनाक सफेद लट होता है, जिसके प्रभाव से मूंगफली फसल को काफी क्षति पहुंचती है। इस रोग से बचने के लिए किसान भाई बारिश में लाइट ट्रैप का प्रयोग करें। लाइट से बीटल आकर्षित होते हैं, फिर उन्हें कीटनाशी देकर खत्म किया जा सकता है। सबसे पहले अपन बात करेंगे इसके प्रमुख कीट की, जो वाइट ग्रब है, सफेद लट। इसकी साल में एक पीढ़ी होती है, जिसमें जो इसके जो बीटल्स होते हैं वो पेड़ पे मानसून की पहली बारिश में जो नीम, खेजड़ी और साइड पे जो भी पेड़ होते हैं उन पेड़ों पर चढ़कर ये मेटिंग करते हैं। मेटिंग करने के बाद में जो मादा होती है वापस ज़मीन में आकर वो अंडे दे देती है। अंडे देने के बाद में उसमें से बीटल्स जो ग्रब निकलते हैं वो फसल को खाना प्रारंभ कर देती है, तो ये जड़ों में काट देती है और जमीन के अंदर उसके कर्नल बन जाते हैं, उसको भी वो नुकसान पहुंचाती है। ये इसकी जो एक पीढ़ी होती है वो मानसून के पहले बारिश में, जैसे ही पहला बारिश होता है, इसका इमेच्योर स्टेज में जो उसका एक ग्रब पड़ा रहता है एडल्ट, वो पेड़ समीप के पेड़ के ऊपर चढ़ता है। पेड़ के आने के बाद नर और मादा मेटिंग करते हैं, क्रॉस होते हैं और मादा वापस पुनः जमीन में आकर अंडे दे देती है। तो इस किसानों को हम ये सलाह देते हैं कि जब आपकी पहली बारिश हो उस समय आप लाइट ट्रैप का प्रयोग करें, या फिर जो साइड के जो पेड़ हैं उन पेड़ों के ऊपर प्रोपेनोफॉस, क्लोरोपोरीफॉस या किसी भी अन्य कीटनाशी, मेथलपेराथियन डस्ट से या किसी भी कीटनाशी का छिड़काव कर दें, जिससे कि ये जो ग्रब हैं, एडल्ट हैं, वयस्क हैं, ये पेड़ के ऊपर ही नष्ट हो जाएंगे और इनके मेटिंग नहीं होगी। मेटिंग नहीं होगी तो ये एगलेइंग नहीं करेंगे, और अंडे देने से पहले ही हम इसको इस प्रकार से कंट्रोल कर लेते हैं। उसके बाद में भी लाइट ट्रैप लगाते हैं। लाइट ट्रैप में इसके जो भ्रंग है, बीटल्स है, वो आकर्षित होते हैं लाइट की तरफ और उसमें कैरोसिनाइज्ड वाटर या फिर कोई केमिकल रख देते हैं जिससे वो उसको इकट्ठे करके मार देते हैं। खेत में पहले से भी ट्रीटमेंट कर इस रोग से बचा जा सकता है। साथ ही मूंगफली की खड़ी फसल में अगर दीमक का प्रकोप हो जाए तो उचित दवाओं का छिड़काव करें, जिससे समय रहते किसान भाई फसल का बचाव कर सके। इसी प्रकार इस फसल में कहीं कहीं दीमक का प्रकोप हो जाता है। अपन जानते हैं कि लाइट सोयल में दीमक का प्रकोप ज़्यादा होता है। दीमक के प्रकोप के लिए सबसे पहले जो दीमक का टर्मेटेरियम होता है, इसमें एक ही मादा होती है क्वीन, वो मादा उसकी हाईएस्ट फिकंडिटी होती है, वो 24 घंटे में 5 से 6 हज़ार अंडे एक लेइंग कर देती है। तो उस मादा को निकाल के हम उसको नष्ट कर देते हैं तो इससे टर्माइट का कंट्रोल भी हो सकता है। इसके अलावा बीज की बुआई के समय क्लोरोपोरीफॉस नाम की जो दवा होती है, उस दवा को 4 मिलीलीटर प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज उपचारित कर फसल की बुआई करें तो इससे हमें थर्माइट से रोकथाम मिल सकती है। इसके अलावा खड़ी फसल में कहीं आपको ऐसा लगता है किसान भाइयों को कि यहाँ दीमक का प्रकोप हो रहा है, तो उनके लिए 4 लीटर प्रति हेक्टर के हिसाब से उस दवा को सिंचाई के पानी के साथ देवें, जिससे कि इस कीट से बचाया जा सकता है। इसी तरह रस चूसने वाले कीड़े जैसे माहू और थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए भी उचित दवाओं का सही समय पर छिड़काव करें। इस पत्ती के इस प्रकार से देख रहे हैं कि रस चूसने वाले कीड़ों की वजह से पत्ती कमजोर हो जाती है, जैसे पौधा भोजन नहीं बना पाता है, इससे पैदावार में कमी आ जाती है। तो हम किसान भाइयों को ये सलाह देते हैं कि इसके लिए भी समय समय पर अपने खेत का निरीक्षण करते रहें, और उसमें अगर किसी की रस चूसने वाले कीट का प्रकोप होता है तो डाइमेथोएट नाम की जो दवा है, मोइला हुआ या पर्णसंकुचित थ्रिप्स हुआ, इसमें या मिथाइल डिमेटोन नाम की जो दवा है, 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। और इसके अलावा जो बहुत सारे जो मित्र कीट होते हैं, जो मोइले को जैसे खाने वाला लेडी बर्ड बीटल है, उनका अपन संरक्षण करें, और नीम आधारित कीटनाशकों का प्रयोग करें जो फसल के साथ साथ जो मित्र कीट है उनके लिए भी लाभदायक हो सके।
मूंगफली न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट है बल्कि अपने औषधीय गुणों के कारण ये बेहद लोकप्रिय है। इसके उपयोग से कई तरह की बीमारियों में राहत मिलती है। तो आइए नजर डाल देते हैं मूंगफली के गुणों पर। मूंगफली को गरीबों का बादाम कहा जाता है। मूंगफली से अनगिनत चीजें बनाई जा सकती हैं। मूंगफली से पपड़ी, लड्डू, तिलपट्टी, मूंगफली का पाउडर बनाकर इसके इस्तेमाल से तरह तरह की मिठाइयां बनाई जाती हैं। इसके मूंगफली से ड्राई फ्रूट्स के रूप में काम में ले सकते हैं। मूंगफली के टुकड़े करके इसको मिठाई, बहुत सारी मिठाई के रूप में काम में लिया जा सकता है। या मूंगफली का दाना है उसको काजू का रिप्लेसमेंट किया जा सकता है। या मूंगफली के लड्डू है उनको बना के काम में लिया जा सकता है। या अदर दूसरे जो प्रोडक्ट्स है स्वीट से संबंधित उनमें मूंगफली को मिक्स करके उसके बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। स्पेशली आपकी जो तिलपट्टी वगैरह है वो भी मूंगफली से बनाया जा सकती है। मूंगफली के लड्डू आप बनाए जा सकते हैं। मूंगफली के जो टुकड़े कर करके उसको दूसरे ड्राई फ्रूट्स के साथ में मिक्स किया जा सकता है। या बहुत सारी मिठाइयां होती है जिनके लिए इसको ऊपर से एक ड्राई फ्रूट्स के रूप में काम में लेके इसका जो पाउडर बना के उसको भी मिठाई मिक्स करके इसको बनाया काम में लिया जा सकता है। मूंगफली को इसके औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। इसके सेवन से कई तरह की बीमारियों को दूर किया जा सकता है। मूंगफली खाने से जुकाम जैसी छोटी सी बीमारी से लेकर ब्लड शुगर तक में काफी फायदेमंद साबित होता है। मूंगफली के सेवन से ब्लड शुगर संतुलन में रहता है। मूंगफली में जो तेल पाया जाता है उसे आसानी से पचाया जा सकता है। ये शरीर में पाए जाने वाले खराब कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने में भी कारगर है। यही नहीं, कैंसर जैसी बीमारी में भी इसे काम में लिया जाता है। साथ ही बढ़ते बच्चों के लिए मूंगफली का तेल काफी अच्छा माना जाता है। इसके अलावा मूंगफली के तेल का इस्तेमाल कई सारे औषधीय उपयोग में लाया जाता है। त्वचा संबंधित बीमारियों में भी ये तेल बेहद उपयोगी है। साथ ही गर्भवती महिलाओं के इस्तेमाल के लिए मूंगफली का तेल पूरी तरह सुरक्षित माना जाता है। पादप रोग विभाग के सह आचार्य अशोक कुमार मीणा ने बताया कि मूंगफली में औषधीय गुण पाए जाने के कारण बाजार में इसकी मांग बनी रहती है। ऐसे में इसकी खेती कर रहे किसान उचित ढंग से फसल प्रबंधन करें तो निश्चित ही लाभ कमा सकते हैं। किसान भाइयों, मूंगफली के औषधीय गुणों की अपन बात करें तो मोस्ट इसका जो ऑयल कंटेंट है बहुत ही डाइजेस्टेबल ऑयल कंटेंट होता है और बहुत सारी इसकी रिकमेंडेशंस दी जाती है जो कि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए काम में लिया जाता है। या बहुत सारे पेशेंट्स है जो हेयर लॉसेज हो रहा है तो उनके लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। कैंसर डिजीजेज में भी इसको काम में लिया जाता है। डायबिटिक पेशेंट्स है उनके लिए काम में लिया जाता है। और स्पेशली जो बढ़ती उम्र के बच्चे हैं उनके लिए इसकी ऑयल कंटेंट है या वो डाइटिंग फूड है अगर उसको खिलाया जाता है तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिलती है। साथ ही साथ बहुत सारे नेचुरल डाइजेस्टेबल कंटेंट होने की वजह से इसको बहुत सारे मेडिसिनल यूजेज में काम में लिया जा सकता है। जैसे त्वचा से संबंधित है या स्किन से संबंधित है या जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है उनके लिए भी ये काम में लिया जा सकता है। और इसके जो एडेबल है बहुत ही टेस्टी होता है। शरीर को डाइजेस्टेबल होने की वजह से इसको छोटे बच्चे भी आराम से इजी गोइंग खा सकते हैं। सूखे और रेतीले क्षेत्र में मूंगफली की खेती को बढ़ावा देने के लिए डिग्गी बनाने, सोलर प्लेट्स और स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई की व्यवस्था में समय समय पर सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के अनुदान दिए जाते हैं। मूंगफली की खेती के लिए सरकार द्वारा कोई विशेष अनुदान नहीं होता है, लेकिन फिर भी जैसे बहुत सारे एरिया होते हैं जो डेजर्ट एरिया है या रेतीले एरिया है वहाँ पे बहुत सारे डिग्गी बनाने वगैरह का प्रावधान होता है खेतों में, तो डिग्गी की बना के भी उसका फायदा उठा सकते हैं। सोलर प्लेट्स लगाए जाते हैं और जो मिनी स्प्रिंकलर है या स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई भी करने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रकार के अनुदान दिए जाते हैं। तो आज आपने कृषि विशेष में मूंगफली के फसल प्रबंधन के बारे में विस्तार से जाना। हमें उम्मीद है कि इससे आपको जरूर लाभ होगा। अगर आप कृषि विशेष कार्यक्रम के संबंध में अपने विचार या अपने कुछ सुझाव हमसे साझा करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishivishesh@gmail.com। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमें आपके विचारों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और इसी के साथ कार्यक्रम कृषि विशेष की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर एक नया विषय। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।